हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं अनिकेत आप सबका इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। देश के प्रगति के लिए योगदान करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब बात आती है देश की सुरक्षा के लिए तो उसमें योगदान करना सच में एक काफी गौरव और सम्मान की बात है। या हम बात कर ले इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन नेवी की या इंडियन आर्मी की। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लेके आया हूँ कि जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इस अपॉर्चुनिटी से आप देश की सेवा कर सकते हैं। देश के लिए जो है एक सम्मान, एक गौरव वाली बात है, तो वो आपके लिए बिल्कुल सामने है। मैं आज चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स आप देख रहे हैं तो आप सभी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और इंडियन कंट्री को जो है सर्व करने का जो है ये अपॉर्चुनिटी आप जरूर उठाएं, ठीक है। तो मैं बात करने वाला हूँ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में जो है काफी अच्छी वैकेंसी आई है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, उसका एग्जाम पैटर्न कुछ चेंज हुआ है। पहले जो है डायरेक्ट एंट्री होती थी, अब जो है इन्होंने एक जो रिटर्न प्रोसेस जो है रिटर्न प्रोसेस बना दिया है। पहले क्या होता था कि जो जिनके मार्क्स होते थे, जिनके मार्क्स के बेसिस पे जो है उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता था, पहले उनके साथ कहीं ना कहीं एक डिस्पैरिटी होती थी, पार्शलिटी टाइप काइंड ऑफ हो जाते थे कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन अब जिसके मार्क्स जो है 60% है या 60% से एबव है तो उनको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं, उनको भी इक्वल ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो रिटर्न टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाएगा, उसके बाद रिटर्न टेस्ट क्लियर करने के बाद उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद मेडिकल टेस्ट देना होगा और मेडिकल टेस्ट देने के बाद आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है, मैं इस वीडियो सेशन में सभी कुछ आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए डिस्कस करते हैं इंडियन नेवी के बारे में। तो बच्चों जैसे आप जान रहे हैं कि मैंने आपको इंडियन नेवी के बारे में बताया है, तो इंडियन नेवी ने एग्जाम निकाला है INET, जिसको कहते हैं इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। और ये एग्जाम मैं आपको बता दूं बिल्कुल सिमिलर है FCAT के। आप पहले FCAT जैसे जिन लोगों ने दिया होगा उनको पता होगा कि FCAT का एग्जाम कैसा होता है, तो ये बिल्कुल एग्जाम जो है हमारा FCAT के सिमिलर पैटर्न पे रहेगा। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इंडियन नेवी को सर्व करने के लिए और अपने देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने का और अपना सम्मान और गौरव अपने आप का और अपने परिवार और अपने समाज का बढ़ाने का, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें अगला क्या है हमारा। इसका डेट जो अप्लाई करने का था वो दिया गया था 18 मई से 29 मई तक, लेकिन आज ही जो है इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये डेट एक्सटेंड कर दिया गया है 6 जून तक। तो आपके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी है कि जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये 6 जून तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, जितनी जल्दी हो सके आप इसको जरूर अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं और किस तरह के पोस्ट हैं मैं आपको बता दूं। ये ऑफिसर लेवल के सारे पोस्ट हैं आपके लिए। इसको जो है तीन ब्रांच में जो है बांटा गया, वो है एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल और एजुकेशन। और इनमें जो पोस्ट हैं वो पोस्ट हैं पायलट के, ऑब्जर्वर के, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉजिस्टिक्स और IT के। तो काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं, आप इंडियन नेवी को सर्व कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो है सिर्फ मेंस के लिए है, ये गर्ल्स के लिए भी है। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि गर्ल्स के लिए भी अप्लीकेबल हैं, तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये है। उसके बाद क्या है कि किन कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अप्लाई इस पोस्ट को कर सकते हैं। तो जो कि जो फाइन जो इंजीनियरिंग जो कोर्स है, जो हमारा बीटेक जग का जो कोर्स होता है, जो फाइनल ईयर में हैं या फिर पास कर चुके हैं, या फिर जो है ज्वाइन करने से पहले तक जो है जिनका मिनिमम 60% मार्क्स जो है बीटेक में आता है, और INA ज्वाइन करने से पहले जो है वो अपना इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनमें जो जिन स्ट्रीम के बारे में बताया गया है वो defenseadda.com पे क्लियरली दिया गया है, आप वहां पे एक बार जरूर विजिट करें, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा दिया गया सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है हमारा, हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। तो एग्जाम पैटर्न क्या है इसमें, एग्जाम जो है टोटल 100 मल्टीपल क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाने हैं। इसके इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होगा, इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। ये जो है टोटल 4 हमारा सेक्शन है और हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स इच का होने वाला है। तो आप क्या देख रहे हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन हैं और हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और जो है टोटल ये 100 मार्क्स इच का रहेगा। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप इसको संभाल के अब इसको अच्छे से दे, तुक्का नहीं मारना है आपको। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उसी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगा।
उसके बाद हमारा है कि आप जैसे जैसे ही आप जो है वो INET जो है फर्स्ट स्टेज आप क्लियर करते हैं, क्वालिफाई होते हैं, तो आपको जो है SSB इंटरव्यू के लिए जो है आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जो कि दो स्टेज में बटा हुआ है। जो लोग जो है पहले स्टेज को क्लियर करेंगे उनको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, और वो कब होने वाला है तो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ये होने वाला है। उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा, आप मेडिकल टेस्ट जैसे ही जो है क्लियर करेंगे आपको इंडियन नेवी सर्व करने का मौका मिलेगा। अब बात आती है बच्चों, ये टेस्ट जो है, ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होने वाला है, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑनलाइन आप प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के सक्सेस पाना अभी के दौर में बिल्कुल ही मुश्किल है, और आपको प्रैक्टिस ऑनलाइन करना ही करना है। तो हमने क्या किया है अड्डा 24/7 ने, इसके लिए जो है INET 2019 का 30 टोटल मॉक्स का जो है हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है, जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक हैं और 20 सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट्स है। जैसे कि मैंने आपको सेक्शन के बारे में बताया, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो उस तरीके से आपको सेक्शन वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, 10 फुल लेंथ मॉक्स भी मिलेगा, और ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस 299 पे अवेलेबल है। तो आप जो है हमारे स्टोर जो है विजिट कर सकते हैं, स्टोर विजिट करके वहाँ पे जैसे ही टेस्ट सीरीज टैब पे क्लिक करेंगे तो जो है आपको ये टेस्ट सीरीज हमारी मिल जाएगी। अब उसके बाद इन केस एनी फर्दर क्वेरी, आपको कुछ भी जानना हो तो आप मेरी मेल आईडी है aniket.kumar@adda247.com, आप इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपके हर क्वेरी का आंसर जरूर करूंगा। आपको क्या करना है, store@adda247.com पे विजिट करना है और टेस्ट सीरीज वाले टैब पे क्लिक करना है, तो आपको जो है सारी जो भी टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताए हैं वो आपको टेस्ट सीरीज वहां से मिल जाएगा। लेकिन बच्चों मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बताने वाला हूं कि इन केस आपको कोई भी क्वेरी हो इंडियन नेवी से रिलेटेड, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो है ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अपने कंट्री को सर्व करने का। हर एक का सपना होता है अपने कंट्री के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट करना, तो जब जैसे ही बात आती है एक सुरक्षा की, एक जिम्मेवारी की, तो एक काफी गौरव और सम्मान की बात होती है, तो आपके सामने ये सम्मान आपके सामने अवेलेबल है, तो आपके लिए ये काफ़ी बेहतर होगा। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और जो है इंडियन नेवी को सर्व करें। इन केस आपको कुछ और भी जानकारी लेनी हो तो आप जो है हमारा डिफेंस अड्डा 247.com आप जो है विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी जानकारी इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। आई गेस जितने भी व्यूअर्स हैं आप सभी इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और जितने लोगों को हो सकता है जरूर शेयर करें, और इंडियन नेवी को सर्व करने के लिए तैयार हो जाएं। जय हिंद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।